नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना जी। हां, अभी एक फिल्म की जो शूटिंग खत्म हुई है, दफन। दिस इज हॉरर मूवी और इसके प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं आकाश जी, जहां हम उन्हीं के जबानी जानेंगे ये पूरी फिल्म की दफन स्टोरी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आप हमें बताएं आपकी फिल्म दफन के बारे में। हमें दफन हमारा अभी फर्स्ट एपिसोड हमने शूट किया है, जो कि हॉरर कंटेंट है, बहुत ही यूनिक कंटेंट है, जो कि एक कॉलेज बेस्ड स्टोरी है, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं, जो कि अपने छुट्टियों के दिनों में घूमने आते हैं। तो उस बेस्ड स्टोरी है, उस वहाँ पे आने के बाद उनके साथ कुछ गलत हरकतें होती हैं, उस बेस पे हमने स्टोरी बनाई हुई है, जो कि एकदम बोलेंगे तो एकदम गाँव का जो रहता है ना, जो रियल स्टोरी होती है, उस बेस पे हमने उसको क्रिएट किया है। और डायरेक्टर ने वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से सोचा वो तो मुझे भी नहीं मालूम है। जब वो कॉन्सेप्ट आएगा, जब हमारा वो रेडी होने के बाद प्रोजेक्ट जब मार्केट में आएगा, तो लोग जो उसको देखेंगे ना, तब उस चीज़ का रियलिटी पता चलेगा कि उसमें क्या है। बिल्कुल आकाश जी, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि जो प्रोड्यूसर होता है उस पर पैसे लगाता है, उसके बाद फिल्म बनने के बाद ही पता लगता है कि असली क्या निकला है। जी हाँ आकाश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट आपने किया है। अभी हमारा इससे पहले एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम है नसीब अपना अपना, ठीक है, जो की हॉरर है। वो भी हॉरर थीम है थोड़ा, पर वो दोनों मिक्सअप है, हॉरर है थ्रिलर वेब सीरीज है, जो की हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, जो कि वो रिलीज होने वाला है, ठीक है, कंप्लीट है, पर वो हम एक अच्छे OTT का इंतजार है। हो सकता है कि अपना डिज्नी पे भी आ सकता है, और भी है हमारे बात चल रही है चैनल से, कोशिश है कि हम उसको अच्छे चैनल पे रिलीज करेंगे। उसके बाद हमारे और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो कि लाइनअप है, जो कि लोगों से बात हो रही है, जैसे फाइनेंस से हमारा बात चल रहा है, जैसे ही होता है तो हम और भी मार्केट में प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी जो जनता जो देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा प्रोडक्शन है द बैकबोन फिल्म, उसको सपोर्ट करिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, जैसे कि हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आए और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। तो नेक्स्ट हम बहुत जल्दी एक मूवी लेके आएंगे, जो कि थिएटर की। बिल्कुल, हम विशेष करते हैं आकाश जी से कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाएं, और आई थिंक आपका जो जोन है वो हॉरर ही है। जी हाँ, हॉरर बहुत आसान जोन होता है और बहुत अच्छा चलता है, तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वेट करेंगे। इसी के साथ हमारे टीम के पूरे लोग जुड़ेंगे इसमें, आकाश जी रहेंगे, हमारे प्रिंस रहेंगे, उनके मम्मी पापा भी रहेंगे, हम सबके साथ एक लास्ट बाइट लेते हुए, जिनको आपने सुन ही लिया है, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आकाश जी, इनसे भी आपने सुन ही लिया है। अब हम जानना चाहेंगे प्रिंस के मम्मी और पापा से। पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आप बताएं दिल्ली से बॉम्बे तक का सफर अपने बच्चे को एक्टर बनाने का कितना मुश्किल और कितना आसान रहा। मैडम, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए पहले। मैम, मैं सुमन फ्रॉम दिल्ली, प्रिंस की मम्मी। बिल्कुल बिल्कुल, कैसा रहा ये सफर? मैम अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रिंस जैसा चाह रहे थे उससे भी अच्छा कर रहा है। मुझे लग रहा था कि बच्चे में टैलेंट है, तो मुझे मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे पहले मेरी आकाश सर से बात हुई, बैकबोन के है, तो उन्होंने जैसे मुझसे बात की तो बहुत ही अच्छे से, एक पॉजिटिव वाइब इनकी बातों से आई, और बिल्कुल कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और प्रिंस को आप लेके आएंगे तो पक्का इसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो प्रोफाइल मैंने सिंपल एक फोटो सेंड की थी ओनली प्रिंस के। बिल्कुल आकाश जी, एक सवाल तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि कितना मुश्किल रहा इनको कन्विंस करना? क्योंकि हम उस तरीके का काम नहीं करते। आप एक बार हमसे मिलेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि हम मिलने के बाद मुझे जो पहले सोच रहे थे ना, वो एकदम आपके माइंड से निकल जाएगा। बिल्कुल, ये जो कोहिनूर का हीरा है उसको कैसे ढूंढा आपने? बस यही है कि कहते हैं ना, कोहिनूर कभी कभी मिलता है, क्योंकि कोयले में से ही कोहिनूर निकलता है। तो ढूंढने के बाद मिला, पर ये कि उसके अंदर जो क्वालिटी है, सच में बोल रहा हूँ कि वो आगे चल के बहुत जल्दी एक स्टार बनेगा। ये मैं उसके साथ सपोर्ट करूंगा उसका, बाकी का उसके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा ऑनर बच्चा है, आगे चल के फ्यूचर बहुत अच्छा काम करेगा।
बिल्कुल, इसी के साथ प्रिंस के पापा भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सर कैसा फील हो रहा है आपको, अपना फीलिंग बताएं हमें, प्राउडनेस हो रहा है या फिर आप चाहते नहीं थे कि बच्चा आए इंडस्ट्री में, क्या चाहते थे आपके अंदर की फीलिंग बताएं सर हमें। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी क्या कहना चाहेंगे प्रिंस के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँच रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हम आपको एक बात बताते चले कि आज के दौर में बच्चे जब टैलेंट अपना दिखाते हैं तो ये जो पेरेंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये इनके चेहरे का एक्सप्रेशन रहता है, इनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत ही टचिंग फीलिंग है।